हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आपको रिवाइज़ कैसे करना है नीट 2021 के लिए, जो अगस्त सितंबर में होने वाला है। उसके लिए आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिवाइज़ कैसे करना है, इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। आप लास्ट तक देखिए इसको। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स की, फिज़िक्स को रिवाइज़ कैसे करना है। फिज़िक्स को रिवाइज़ करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट के लिए। फिज़िक्स के लिए आराम से टाइम निकालो 3-4 घंटे, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग। फिज़िक्स के लिए आपको सबसे पहले 1.5 घंटा, मिनिमम 1 या 1.5 घंटा अलग से निकालना है नोट्स रिवाइज़ करने के लिए। नोट्स में क्या रिवाइज़ करना है, नोट्स में आपको जो टीचर ने क्वेश्चन कराए हैं उनको देखना है, और जो डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाए हैं उनको याद करना है, और जो बेसिक फार्मूला है उनको भी याद करना है। डेली आप 1-1.5 घंटा नोट्स को सिर्फ रीडिंग मारना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज रिवाइज़ करना है। फिज़िक्स का चैप्टर वाइज जब आप रिवाइज़ करोगे, आपको एक चैप्टर लेना है, नोट्स रिवाइज करने के बाद एक चैप्टर लेना है, उसमें क्वेश्चन करने टाइम के हिसाब से। जैसे अभी टाइम कम है, अगर आप 100-150 क्वेश्चन करोगे तो एक चैप्टर 2-3 दिन में जाके ख़त्म होगा या 7-8 घंटे लेगा। तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं, लेकिन कम करने हैं, 50-60 क्वेश्चन करने हैं 2-3 घंटे फिज़िक्स के। जितने करने हैं आपको स्पीड से, पूरी स्पीड से करने हैं, और जो डाउट निकलेंगे उनको सर्कल बना लेना है। जब सारे हो जाएंगे और जो डाउट रहेंगे बाद में, डाउट भी उसी टाइम के लिए करना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि अब टाइम कम है, बाद का तो हमारे पास टाइम है नहीं, उसी टाइम के लिए करने हैं। या तो उसका सोल्यूशन देखो या टीचर से पूछो। ऐसे ही आपको ये 35 से 40 दिन लगेंगे, आपकी पूरी फिज़िक्स रिवाइज़ हो जाएगी। उधर आप नोट्स रिवाइज़ कर रहे थे डेली 1 घंटा 1-1.5 घंटा, उसकी वजह से आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सारे डायरेक्ट रिजल्ट याद हो जाएंगे, और आपके जो आप चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे थे वो भी आपको याद हो जाएगा, पूरा रिवाइज़ हो जाएगा पूरा फिज़िक्स 35 से 40 दिन के अंदर। ये तो आपको फिज़िक्स को ऐसे करना है। अब केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है, मतलब पहले 1 घंटा आपको रिवाइज़ करना है नोट्स जो आपके लिखवाया टीचर ने, थ्योरी बिल्कुल याद करनी है सही से, फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बायोलॉजी में कुछ बच्चे नोट्स पढ़ते हैं, कुछ बच्चे NCERT पढ़ते हैं। आप कुछ भी पढ़ते हो, आपको डेली 2-2.5 घंटे अच्छे से रीडिंग मारनी है, सिर्फ रीडिंग। जब आप रीडिंग मारते रहोगे, आपका ये भी 35-40 दिन के अंदर पूरी 11th-12th की जो बायोलॉजी है पूरी याद हो जाएगी। तो ये ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, मैंने भी ऐसे ही किया था जब नीट में 2 महीने रह गए थे। आपके भी लगभग 2 महीने से कम रह चुके हैं, तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि एक बात बता दूँ, कुछ फिज़िक्स में क्वेश्चन करने के लिए, केमिस्ट्री में क्वेश्चन करने के लिए, बायोलॉजी में क्वेश्चन करने के लिए आपकी थ्योरी बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं उनको थ्योरी याद नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज देते हैं, फिर उनके नंबर उसमें कम आते हैं, तो उनको डिप्रेशन में जाता है कि कुछ नहीं आता मुझे, कुछ याद नहीं है। पहले याद करो कॉन्सेप्चुअल सही से, फिर टेस्ट सीरीज करो, तो आपके 35-40 दिन में पूरा तीनों सब्जेक्ट का कोर्स पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जो 15-20 दिन बचेंगे, आपको फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, फुल सिलेबस की आपको फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, फिर उसमें देखना आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से मेरी कमी आ रही है, और जो डाउट आएंगे उसमें आपको देखना किस टॉपिक से आ रहे हैं, उस टॉपिक को आपको फिर से पढ़ना है। पढ़ के जब आप पढ़ोगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज जैसे दोगे तो उसी दिन उस टेस्ट सीरीज में इतने डाउट है उसी दिन क्लियर करने हैं, क्योंकि अब टाइम कम है, डाउट को इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करोगे तो क्या आपके एग्ज़ाम में वही आ जाए। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी, मैंने भी ऐसे ही फॉलो किया था जो मैं आपको बताने वाला था। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021। थैंक यू।